नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट काउंसलिंग शुरू होने वाली है और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले एनालिसिस कर लिया कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। अब वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ अपना रुख बढ़ा रहे हैं और वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए ये खुशी की बात है कि इस साल काफ़ी गवर्नमेंट सीटें बढ़ने के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस भी बढ़े और अभी ऑफिशियली 4 कॉलेजों को हरी झंडी दे दी गई है। सबसे पहले लक्ष्मी चंद्र बंशी मेडिकल कॉलेज विश्रामपुर, और दोस्तों ये है पलामू झारखंड में, और अभी इसमें 100 सीटें बढ़ा दी गई हैं। इसकी फ़ीस लगभग 13 से 14 लाख रुपए पर ईयर रखी जाएगी और अभी तक इसकी फ़ीस की कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है, और लेकिन ये बहुत अच्छा है इसमें झारखंड के स्टूडेंटों के लिए, तो काफ़ी अच्छा ही है। झारखंड में मेडिकल कॉलेज आया। इसके अलावा देखते हैं इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा को मानते या नहीं मानते। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो कॉलेज खुला है दोस्तों, टाटिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर SS टाटिया मेडिकल कॉलेज खुला है, जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में। इससे पहले राजस्थान में जयपुर और उदयपुर में ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन इस बार गंगानगर में भी आ गया है। ये भी बहुत खुशी की बात है। इसमें 150 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा कॉलेज है श्रीजा मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर मणिपुर। पहले ये एक हॉस्पिटल था, अब इसको मेडिकल कॉलेज में बदल दिया गया है। इसमें भी आपकी 150 सीटें हैं और बहुत अच्छा है मणिपुर। उधर से भी कॉलेजों की संख्या कम होती है। इसके अलावा दोस्तों शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज बोलपुर पश्चिम बंगाल, इसमें भी आपकी 150 सीटें हैं। ये आपका काफ़ी खूबसूरत है और अभी इसकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। आप जाके गूगल पे या फिर नेट पे देख सकते हैं। तो टोटल दोस्तों आपकी 150 प्लस 100, लगभग 550 सीटें आपकी बढ़ चुकी हैं। इनकी भी काफ़ी नए नए कॉलेज आए तो थोड़ी फ़ीस पुराने कॉलेजों से कम रहेगी। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप इन कॉलेजों को भी अपनी नज़रों में रखें। जैसे कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।